हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू आप सभी का स्वागत है आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक जो आपकी सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बताए आज है के टॉपिक का क्या नाम है द रियल रोड मैप ऑफ द सक्सेस मतलब सक्सेस को हासिल करने के लिए एक रास्ता कैसे डिजाइन करें आप अगर अपने लिए अपने गोल के लिए रास्ता डिजाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट काम है वो वो कीजिएगा बताइए सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है आप सबसे पहले नोटबुक लीजिएगा कोई भी रजिस्टर कॉपी पेन लीजिएगा और पेन लीजिएगा और फिर जो भी आपको बताया जाए समझाया जाए वीडियो में उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे किस तरीके से आपको लिखना है जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके सामने उनको किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूँगा लेकिन देखिएगा एक्सप्लेन करने से आपको समझने से और लिखने से कुछ नहीं होने वाला है जो आप एक्चुअल में लिखोगे उसी के लिए आप स्टेप बाय स्टेप कैसे किस तरीके से एक्शन लोगे वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है ना कि समझना लिखना समझे लिखे थोड़ी देर के लिए अगर आप उसको अप्लाई कर लिए जो जो वीडियो में समझाया जा रहा है तो आप आपके गोल के लिए रियल रोड मैप डिज़ाइन कर सकते हो तो वीडियो में बने रहिएगा और आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं कि कैसे अपने लिए अपने गोल के लिए रियल रोड मैप डिज़ाइन किया जाता है तो जो भी गोल है आपने आपकी हॉबी आपके इंटरेस्ट आप जो भी करना चाहते हो एक्चुअल में लाइफ में आपके दिमाग में कुछ आइडिया तो होंगे कि आप एक्चुअल में बनना क्या चाहते हो आप लाइफ में करना क्या चाहते हो जो भी आज तक आपने सोच के रखा है उसके लिए कुछ पर्टिकुलर आइडिया तो होंगे तो क्या है एक्चुअल में लिखिएगा कि आपका गोल क्या है आपका आइडिया क्या है उस आइडिया को लिखिएगा फिर उस गोल के लिए उस आइडिया के लिए आपका एक्चुअल में प्लान क्या है मतलब आप उस गोल को कैसे किस तरीके से हासिल करोगे उस बारे में लिखिएगा फिर हासिल करोगे ये तो ठीक है कैसे किस तरीके से हासिल करोगे और जो गोल है और जो गोल है उसको कितने पार्ट में डिवाइड करोगे देखिएगा दो तरह के गोल होते हैं टाइम पीरियड के हिसाब से एक होता है शॉर्ट टर्म गोल दूसरा होता है लॉन्ग टर्म गोल शॉर्ट टर्म गोल कम समय में हासिल किया जाता है और लॉन्ग टर्म गोल जो आपने अभी थोड़ी देर पहले लिखा वही आपका लॉन्ग टर्म गोल है उसको चार से छः साल के बीच में हासिल किया जाता है और देखिएगा ध्यान से सुनो अगर आपने जो कुछ लिखा है अभी आपने जो कुछ भी लिखा है उसको हासिल करने के लिए आपको पता है क्या करना होगा अप्लाई तीसरा स्टेप है अप्लाई तो उसके लिए उस आइडिया के लिए जो आपने प्लान बनाया उसको आप अप्लाई कैसे करोगे इम्प्लीमेंट कैसे करोगे उसके बारे में जानना समझना वही आपको लिखना है कि आप कैसे किस तरीके से अपने गोल के लिए जो भी आपने सोचा है समझा है उसको अप्लाई कैसे करोगे अप्लाई सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपने लक्ष्य के लिए किस तरीके से अप्लाई करने वाले हो अब जब आप अप्लाई करोगे ध्यान से सुन लो आप समझ लो जो भी चीज़ आप अप्लाई करोगे तो देखिएगा जब हम सक्सेस को हासिल करने की जर्नी पर निकलते हैं ना तो ऑब्वियसली रिस्क रहती है जितनी बड़ी सक्सेस उतने बड़े रिस्क अगर आप इस डर से बैठ जाओगे कि नहीं मुझे तो रिस्क लेनी नहीं है तो आप सक्सेस आपकी डाउन में चली जाएगी ध्यान से सुनो सक्सेस डाउन में चली जाएगी अगर आप अपने अंदर ऐसा करेज ऐसा साहस बिल्ड कर लोगे यार रिस्क मुझे पता है एक्चुअल में रिस्क तो आएंगी मुझे पता है एक्चुअल में एक्चुअल में रिस्क तो आएंगी उनके लिए मैं अभी से स्ट्रांग हूँ और जब आपका माइंड ऐसा रहेगा कि मैं किसी भी रिस्क को फेस करने के लिए तैयार हूँ तो आपके लिए जो सक्सेस है वो आसानी से हासिल कर सकते हो पता है ऑब्स्टिकल्स मतलब परेशानी जब आप किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए एक्शन लोगे ना अप्लाई करोगे तो ओबियसली प्रॉब्लम तो आएंगी तो प्रॉब्लम आ रही हैं प्रॉब्लम आएंगी पहली प्रॉब्लम आएगी दूसरी प्रॉब्लम आएगी देखिएगा आप एक बात को अच्छे से समझो जब तो प्रॉब्लम आती है ना जब हम किसी गोल को किसी भी चीज़ को हासिल करने की जर्नी पर निकलते हैं तो जब प्रॉब्लम आती है तो एक प्रॉब्लम के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक आ जाती हैं यस सर नो यस तो उन सभी प्रॉब्लम देखिए एक प्रॉब्लम आई तो उसके साथ में बहुत सारी आ गई तो उन सभी प्रॉब्लम से कैसे फेस किया जाए कैसे उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए उसके लिए स्ट्रॉन्ग माइंड की जरूरत होती है तो स्ट्रॉन्ग माइंड मतलब कि आप अपने गोल के लिए अपने माइंड को किस तरीके से डिजाइन करते हैं कि हाँ मेरे पास में कितनी भी प्रॉब्लम आ जा मैं किसी भी हाल में अपने लक्ष्य को अपने गोल को हासिल करके ही रहूँगा तो जब प्रॉब्लम पहली आई पहली के बाद में बहुत सा दूसरी आई अब ट्राइंग टू स्टे पॉजिटिव अब फिर भी आप अपने आप को स्टे पॉजिटिव रखते हो ध्यान से सुनो रियल रोड मैप समझ रहे हो आप आपके गोल के लिए तो अपने आप को आप जब स्टे पॉजिटिव रखते हो कोशिश करते हुए कि यार नहीं अब तो मैं मेरे को पॉजिटिव रखूँगा जो भी प्रॉब्लम आ रही है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं मेरा मेरे को अपने आप को स्टे पॉजिटिव रखूँगा पॉजिटिव रखूँगा ही रखूँगा तो जब आप अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करोगे तो आपके पास में एक और अटैक होगा पता है वो क्या है वो डिप्रेशन वो डिप्रेशन मतलब आपके दिमाग में इस तरीके के ख्याल आने लग जाएंगे यार मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ चलो छोड़ो ना क्यों करना है करके जो भी गोल है उसके लिए जो गोल है उसको छोड़ना आप क्या ज़रूरत है क्या काम है जो तो आपकी लाइफ में डिप्रेशन अटैक करेगा फिर डिप्रेशन जैसे ही आया तो आपको सेल्फ डाउट होगा अच्छा सेल्फ़ डाउट हो रहा है कि मैं ये कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा बीच में छोड़ दूँ या फिर उसके लिए रेगुलर एक्शन लूँ अब बीच में छोड़ दूँ जो छोड़ देते हैं जो ध्यान से सुनो जो छोड़ देते हैं वो छूट जाते हैं अपने गोल से जो अपने गोल को छोड़ देते हैं वो गोल से छूट जाते हैं और जो डिप्रेशन में सेल्फ डाउट में अपने गोल को छोड़ते नहीं हैं जो छोड़ते नहीं हैं वो अपने गोल को आसानी से हासिल कर लेते हैं पकड़ लेते हैं यस और नो यस और फिर पता है जब आप स्टेप लेते रहोगे अपने आप को डिप्रेशन से भी सेल्फ डाउट से भी ओवरकम कर लोगे तो आप स्टेप लिए तो ऑब्वियसली आपके लिए अचीवमेंट तो मिलेंगे तो आपको फर्स्ट अचीवमेंट मिलेगा कौन सा फर्स्ट अचीवमेंट मिलेगा और जैसी फर्स्ट अचीवमेंट मिला आपको तो एक मोटिवेशन का बूस्ट सा आएगा कि यार अब तो लाइफ में मुझे कुछ करना ही है देखो जब आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़े 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 थोड़े, थोड़े अचीवमेंट्स मिलेंगे ना तो आपको एक एनर्जी चाहिए कि यार लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं लोग आपको जान रहे हैं समझ रहे हैं कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो उन लोगों के लिए जो उन लोगों की कुछ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हो आप किसी भी फील्ड में ऐसा कर सकते हैं और कब जब आपने अच्छा आइडिया अपने गोल के लिए प्लान डिजाइन किया होगा और उसके लिए आपने रेगुलर एक्शन लिए होंगे और जो प्रॉब्लम्स है उनको लड़ते हुए उनसे उनको फेस करते हुए फिर भी आपने कोशिश की पॉजिटिव रहने की डिप्रेशन आया सेल्फ डाउट हुआ फिर भी फर्स्ट अचीवमेंट किया कैसे किया वो आपने ऐसे किया कि आपने रेगुलर एक्शन लिए तो जब आपके लिए अचीवमेंट्स मिलेंगे तो एक मोटिवेशन से आ जाएगा और जैसे ही मोटिवेशन आया मोटिवेशन इस स्टेज में आता है फर्स्ट स्टेज में अगर आप सोचते हैं कि फर्स्ट स्टेज में आपको मोटिवेशन आएगा तो बहुत बड़ा आप अपने दिमाग में एक डाउट पैदा कर लेते हैं कि यार मोटिवेशन आएगा तब मैं कुछ काम करूँगा मोटिवेशन ऐसे नहीं आता मोटिवेशन तब आता है जब आप कुछ करते रहते हो और करते हुए आप कुछ हासिल करते हो फिर आपको लगता है हाँ यार इस काम में और मैं ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ तब आपको एक्चुअल में मोटिवेशन आता है फिर जब आपको मोटिवेशन आया कि यार मोटिवेशन का जैसे ही आपके अंदर बूस्ट मिला तो आप के लिए दिमाग में ऐसा आएगा यार अब मुझे सक्सेस के लिए जो मेरी सक्सेस है उसके में उसको मुझे हासिल करना है तो ऑप्टिमाइजेशन आएगा ऑप्टिमाइजेशन मतलब उतार चढ़ाव आएंगे किस तरीके के कि आपको आपकी सक्सेस के लिए उतार चढ़ाव भी कैसे जो ग्राफ रहेगा आपकी सक्सेस का वो हायर रहेगा क्यों आपके लिए मोटिवेशन मिलाए और कैसे मिलाए आप एक्शन लेते हुए आए हैं और फिर आप धीरे धीरे अगर सही से आपके गोल के लिए एक्शन लेते रहे तो आपको सक्सेस ऑब्वियसली मिलेगी तो मैंने आपके लिए सभी पॉइंट्स समझा दिए हैं और ये सभी पॉइंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखिएगा जितना आप अपने गोल से रिलेटेड लिख सकते हो कैसे आइडिया क्या आइडिया आपके पास में क्या प्लान है उसके लिए अप्लाई कैसे करोगे जो आइडिया है उसके लिए जो आपने प्लान लिखा है उसको आप कैसे अप्लाई करोगे अगर आपके सामने प्रॉब्लम आई ध्यान से सुन लो अगर आपके सामने प्रॉब्लम आई पहली प्रॉब्लम आई तो आप कैसे फेस करोगे और पहली प्रॉब्लम के साथ में बहुत सारी अगर प्रॉब्लम भी आई तो उनको कैसे फेस करोगे अच्छा प्रॉब्लम आएंगी तो उनके जब प्रॉब्लम आएंगी तो कैसे आप स्टे पॉजिटिव रहोगे मतलब पॉजिटिव फिर भी उस सिचुएशन में कैसे रहोगे अच्छा जब आप पॉजिटिव रहोगे तो डिप्रेशन भी अटैक करेगा ध्यान से सुनो डिप्रेशन ने अटैक किया तो सेल्फ डाउट होगा तो उस उस सिचुएशन में कैसे आप अपने आप को ओवरकम करोगे जब आपके लिए फर्स्ट अचीवमेंट होगा कि यार कुछ तो मैंने किया और मैंने कुछ हासिल कर लिया फिर आपको एक मोटिवेशन का बूस्ट मिलेगा ऑप्टिमाइजेशन होगा और फिर आपके लिए सक्सेस ऑब्वियसली अगर आपने अच्छे से अपने गोल के लिए मेहनत की तो आपकी सक्सेस आपके बहुत करीब होगी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगाए बहुत ऐसा लगा कि यार मुझे कुछ आस नया सीखने के लिए मिल गया मेरे गोल से रिलेटेड कि गोल के लिए रियल रोड मैप कैसे डिज़ाइन करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बेलाइकॉन दबा के और बेल बेलाइकोन अगर आप दबाओगे उस पर प्रेस करोगे तो आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे वीडियो के हाँ एक और बात अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच